हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीजीबी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ब्यूटीफुल सा डीआईवाई विद स्कल्पचर पेस्ट। तो मैंने भी इसे फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है एंड ट्रस्ट मी, उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है जितना ये दिखता है। तो बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लॉक को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है, मेरे पास एक पुराना क्लॉक था, ये मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाया था जब मैं एक्चुअली में डीआईवाईज पे नया नया हाथ साफ कर रही थी उस टाइम पे। अगर आपके पास नहीं है कोई ऐसा तो आप कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ओल्ड क्लॉक यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके के MDF बोर्ड्स भी मिलते हैं आपको सर्कुलर शेप में, तो आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसे जो भी था इसकी सारी चीज़ें मैंने रिमूव कर ली हैं एंड इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो फोम के जो ये स्टिकर्स होते हैं, अगर ये ईजिली नहीं निकल रहे हैं तो आप ड्रायर की हेल्प से कुछ इस तरीके से इन स्टिकर्स को बहुत ही ईजिली रिमूव कर सकते हैं। तो अब ये हो गया है क्लीन। अब सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे जेसो का एक लेयर। बेसिकली जेसो क्या करता है, आपके सरफेस को पेंट रेडी करता है। अगर आप किसी भी कलर को, एक्रेलिक कलर, ऑयल कलर को आप डायरेक्टली अगर किसी सरफेस पर लगाते हैं तो कितनी बार चांसेस होते हैं कि वो बहुत ही ईजिली पील ऑफ हो जाते हैं, बट जेसो उन कलर्स को होल्ड करता है। तो अब ये हो गया है, ये कम्प्लीटली हमने ड्राई कर लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे चॉक पेंट अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहें तो एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ये सारी चीज़ें मैंने इट्सी से ली हैं, आप चाहें तो वहाँ से इसे परचेस कर सकते हैं एंड आपको एक्स्ट्रा 5% ऑफ भी मिल सकता है अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं खुशबू5। तो उसका मैंने लिंक आपको दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे चेक कर सकते हैं। तो हमारा बेस रेडी हो चुका है एंड ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है, काफ़ी चौकी चौकी सा इफेक्ट है इसमें। नेक्स्ट इसके सेंटर में मैं एक डिज़ाइन बनाऊंगी। तो उस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे ये टेक्सचर पेस्ट एंड इसे अप्लाई करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे ये पैलेट नाइफ। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे ये एक पुराना स्टेंसिल है मेरे पास, आपने देखा होगा मेरे बहुत सारे वीडियोस में। तो जो बाहर की डिज़ाइन है इसे ही मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम मास्किंग टेप की हेल्प से इसे यहाँ पे सिक्योर कर लेंगे। अब टेक्सचर पेस्ट को हम इस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई करेंगे एंड स्लोली स्लोली हमको जितना डिज़ाइन यहाँ पे कवर करना है उसके ऊपर हम टेक्सचर पेस्ट अप्लाई करते जाएंगे। तो पेस्ट अप्लाई करने के बाद हम केयरफुली इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ पे आ चुका है। अब इसे हम देंगे सूखने। नेक्स्ट मैंने लिया है यहाँ पे एक और स्टेंसिल एंड इसको भी मैं ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से डिज़ाइन दूंगी, पूरा कवर नहीं कर रही, बस थोड़ा सा हमें यहाँ पे डिज़ाइन ऐड करना था। तो यहाँ पे भी मैं सेम प्रोसेस से इसे अप्लाई कर रही हूँ। तो अब आते हैं हम अपने एक्चुअल पॉइंट पे। तो ये हैं कुछ स्कल्पचर पेस्ट मेरे पास जो कि मैंने इट्सी से लिया है। तो मेरे पास इतने ही हैं, मैंने ट्रायल के लिए लिया था तो मैं इसी से जो बनेगा मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का पेस्ट ले लिया है एंड आप किसी भी ग्लास के सरफेस या प्लास्टिक के सर्फेस पर इस तरीके से रख के पहले इसे हम पैलेट नाइफ की हेल्प से मिक्स करेंगे। अच्छे से इसे हम मिक्स करके थोड़ा सा इसकी जो पेस्ट की जो कंसिस्टेंसी है उसे थोड़ा स्मूथ करना है हमें। तो इनिशियली मुझे छोटे छोटे लीव्स बनाने हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक नंबर का पैलेट नाइफ यूज़ कर रही हूँ एंड इससे मैं यहाँ पे सबसे पहले लीव्स बनाऊँगी। तो जो पेस्ट है उसे हमने स्प्रेड किया हुआ है सरफेस पे एंड इसे हम कट करेंगे एंड अपने पैलेट नाइफ में कलेक्ट करेंगे, कट करते चलेंगे एंड कलेक्ट करते जाएंगे एंड वो जब बहुत सारा हो जाएगा, एक पेटल का शेप ले लेगा, तब हम अपने सरफेस पे जो भी कैनवास हम यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर हमें कुछ इस तरीके से इसे प्रेस करके इसे अपने कैनवास पे स्टिक कर देना है। वो बहुत अच्छे से टाइटली होल्ड कर लेगा अगर आपने अच्छे से उसे प्रेस करके चिपका दिया है तो। एंड आप पैलेट नाइफ की हेल्प से ही उसे थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं
नेक्स्ट मैंने लिया है यहाँ पे ये रेड कलर का स्कल्पचर पेस्ट, एंड उसके बाद इसे भी हम सेम प्रोसेस से यहाँ पे इसे एक सरफेस पे ले लेंगे हम। अब ट्राई करिए कि नीचे जो सरफेस है वो ग्लास हो या मार्बल हो, एंड उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इसे भी हम स्प्रेड करेंगे एंड कट करते चलेंगे एंड कलेक्ट करेंगे, कट करेंगे कलेक्ट करेंगे, एंड उसके बाद हम इसे एक पेटल का शेप जब हमें आ जाएगा तब हम इसे अपने कैनवस के ऊपर कुछ इस तरीके से स्टिक करते जाएंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत एक पेटल का शेप आ गया है, तो इसे मैं यहाँ पे इस तरीके से स्टिक कर दूँगी। कोई मेहनत नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसमें, बहुत ईजी है। आपको रेडी पेस्ट मिलता है, बस आपको पैलेट नाइफ की हेल्प से इसे यहाँ पे इस तरीके से शेप देना है। इनिशियली थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे भी थोड़ी सी हो रही थी बट उतनी नहीं हो रही है। तो अभी जो भी शेप आया मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है। हाँ, एक चीज़ और कि आपका जो पैलेट नाइफ है वो क्लीन होना चाहिए, उसमें ये जो क्योंकि ये जो स्कल्पचर पेस्ट है थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, ये थोड़े ड्राई हो रहे हैं, तो वो जो पार्टिकल्स अगर आपके पैलेट नाइफ में लगे हैं तो उन्हें आप केयरफुली रिमूव कर दीजिए एंड उसे साइड करते जाइए। वैसे तो ये ऐसा होगा नहीं बट क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है तो चीज़ें बहुत जल्दी ड्राई हो जाती हैं, तो ये प्रॉब्लम शायद आप फेस कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका पैलेट नाइफ नीट एंड क्लीन हो। तो इस तरीके से हमने इसे बना लिया है। सेंटर में मैं थोड़ा सा ब्राउन कलर एंड रेड कलर मिक्स करके इसमें थोड़े से टोन्स दे रही हूँ, मतलब लाइटर डार्कर शेड्स के। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पास यही चार शेड्स थे जिसमें से तीन शेड्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो बस अब ये हो चुका है, अब हम इसे अच्छे से ओवरनाइट कम्प्लीटली ड्राई होने देंगे। अब इसके ड्राई होने के बाद मेरे पास ये कुछ बीड्स हैं, तो ये आपको दिख रहा होगा कि हाफ हैं, इनको मैं सिलिकॉन ग्लू की हेल्प से एजेस पे कुछ इस तरीके से स्टिक करके अपने इस वॉल क्लॉक को डेकोरेट करूँगी। तो अब आती है नंबर्स की बारी। तो मेरे क्लॉक पे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं था, सिर्फ दो ही नंबर मुझे लगाने थे, 9 and 12। तो यहाँ पे मैंने एक प्रिंट आउट ले लिया है एंड ये लिया है मैंने OHP शीट, एंड अब मैं OHP शीट को यहाँ पे रख के जो भी साइज़ मुझे चाहिए मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा साइज़ ले लिया है एंड अब इसको मैं मास्किंग टेप की हेल्प से यहाँ पे सिक्योर कर दूँगी। नेक्स्ट मैंने लिया है यहाँ पे ये प्रिसीजन नाइफ एंड इसकी एंड रूलर की हेल्प से मैं अपने नंबर्स को इस तरीके से कट कर लूँगी। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना था, कोई कर्व नहीं है, कुछ नहीं है, तो इस तरीके से हमने इसे कट कर लिया है। अब नेक्स्ट आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेम प्रोसेस जैसे हमने स्टेंसिल के ऊपर टेक्सचर पेस्ट अप्लाई किया था ठीक उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी टेक्सचर पेस्ट अप्लाई करना है एंड बस हो गया, और कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो 9 and 12, अब इसे थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैंने इसे किया है गोल्डन कलर से पेंट। तो थोड़ा सा और इसे खूबसूरत बनाने के लिए मैंने गोल्डन पेंट से अपने फ्लावर्स एंड लीव्स को थोड़ा सा हाईलाइट किया है यहाँ पे। थोड़ा सा पेंट बच गया था तो मैंने सोचा चलो एजेस में भी थोड़ा सा इसे पेंट कर देते हैं, तो मैंने इसे भी पेंट किया है थोड़ा सा गोल्डन कलर से। तो इसे हैंग करने के लिए मैंने यूज़ किया है यहाँ पे ये हुक, आपको बहुत ही इजीली लोकल हार्डवेयर स्टोर्स में ये मिल जाती हैं। तो विद द हेल्प ऑफ सिलिकॉन ग्लू मैं इसे यहाँ पे स्टिक करूँगी एंड इसे कम्प्लीटली हम ड्राई होने के लिए रखेंगे।
तो आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो. इफ़ येस डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन बिलो. एंड अगर आप इस आर्ट को ट्राई करते हैं तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे उसकी पिक्चर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.